इजराइल कह रहा है कि अगर ये गैस पाइपलाइन पाकिस्तान ले जाओगे तो हम तुम्हारे ऊपर मिसाइल मार देंगे। पाकिस्तान को गरिया दिया अमरीका, भारत को धमकाने आया अमरीका। जब ये पाइपलाइन आ जाएगा ना तो हम लोग क्या करेंगे जानते हैं? हम लोग को गैस भी चाहिए और पेट्रोल भी चाहिए। ईरान के पास गैस और पेट्रोल दोनों है। यहां से अगर एक हम लोग पाइपलाइन बिछा दें जिसमें से गैस आएगा और बगले में एक और बिछा दें, जैसे एक ठो गैस वाला और एक ठो बिछा दें पेट्रोल वाला, दोनों आ जाएगा। तो हम लोग को जो बार बार पानी वाली जहाज भेजते हैं यहां पर, वो गोदाम में उस पानी वाली जहाज में लोड करता है, फिर वो जहाज आता है यहां अनलोड किया जाता है, कितना कॉस्ट आता है? बहुत कॉस्ट आता है, टाइम लॉस होती है। यहां से यहां जहाज पहुंचने में 15 दिन लेती है, क्योंकि बहुत हैवी टैंकर होती है, धीमे स्पीड से चलती है। बिछा देंगे लोग तो कितना अच्छा रहेगा, लेकिन बीच में कौन आ रहा है? पाकिस्तान को गरिया दिया अमरीका, कहा कि अगर तुम गैस पाइपलाइन बनाया तो तुम्हारे ऊपर प्रतिबंध लगाएंगे कि तुम ईरान का साथ देते हो। तो कहा कि नहीं बनाएंगे। आई चोट्टा 2009 में ईरान से समझौता कर लिया है कि हम गैस पाइपलाइन बनाएंगे, और समझौता में लिखा था ना कि आप अपने एरिया में आप बनाइए और हम अपने एरिया में बनाएंगे, इंडिया अपने एरिया में बनाएगा। ईरान अपने एरिया में बना दिया, आई बनाई बनाई किया, तो ईरान चल गया इंटरनेशनल कोर्ट में कि हेकर पैसा दिवाओ हमको, तो जियान हुआ तुम्हारे वजह से, तो $700 मिलियन उस पर जुर्माना लगने वाला है। किस पे? अब भारत टुकुर टुकुर देख रहा है। सोचिए, एक देश को जब अमेरिका धमका सकता है तो उस देश की क्या वैल्यू है। तो भारत ना ईरान से कह रहा है कि कोई बात नहीं, ये पाइपलाइन यहां तक है ना, इसके बाद समुंदर में उतार दीजिए, हम ले लेंगे यहां से। कहां से उतार दीजिए? समुंदर में। समुंदर के नीचे पीछे जाएगा, आखिर इंटरनेट का केबल है, थोड़ा कॉस्टली आता है, महंगा आता है। समुंदर के नीचे वाला क्या होता है? महंगा आता है। यहाँ पे समुद्र के नीचे जाना पड़ता है, बिछा लेंगे हम लोग समुद्र के नीचे से पाइपलाइन यहाँ पे। समझा गया कि ना? ईरान भारत को धमकाने आया, कौन? अमेरिका, कि आप ऐसा नहीं कर सकते हो। भारत का कि बनना चालू हो गया यहाँ पे। हम लोग रूस से S-400 खरीद रहे थे तो अमेरिका कहा हम आपको अपना हथियार नहीं देंगे तो मत दो, फ्रांस से ले लेंगे लोग, रूस से ले लेंगे लोग, मत को। सोचिए कितना शर्म की बात है पाकिस्तान के लिए कि वही देश ईरान का विकास ना हो सके धमका दिया यहां पर। और इजराइल कह रहा है कि अगर ये गैस पाइपलाइन पाकिस्तान ले जाओगे तो हम तुम्हारे ऊपर मिसाइल मार देंगे। डरा गया इजराइल से, इजराइल तो अपने कटाहा एकदम, ईद बाद मारने वाला इन लोग को, ईद के 14 दिन बाद मारेगा गाजा पे। फिर तो भारत का जब बात आया, भारत का बात आ गया यहां पे कि यहां से तो भारत ले जा रहा है, तो इजराइल का मोए मोए हो गया, कहा कि भारत का मैटर है उस पर हम नहीं बोलेंगे। समझ आ गया कि नहीं आ गया? और उधर जो बाइडेन परेशान है क्योंकि चुनाव है इस साल, भारतीयों को अगर आप नाराज कर देंगे तो भारत का आदमी चुनाव में एक वोट देता है और 50 वोट एन्ने से उन्ने कर देगा, चाय के दुकान पे बैठे जीत तो वोट जिया न जीतो ओकरा देला बिना का जरूरत है, कौन जी किया था पिछली बार, भाई अपन सुरेंद्र चाके दो खाली हल्ला करता है सब भारत में, देखिएगा ना हल्ला करता है, माहौल बना देगा सब पूरा, यहाँ पे खलिया बैठा दिन भर व्हाट्सएप ट्विटर हैन तेन, जिसके पीछे इंडियन पड़ गया सर ना उसको चुनाव में गिरा देगा सब, और जिनके पीछे यहूदी पड़ गया सर ना चुनाव में पैसा से मार डालेगा सब, क्योंकि चुनाव में चंदा वही दे सकता है जो अमीर है, और दुनिया में सबसे ज्यादा अमीर यहूदी है सब, पूरी दुनिया में हयात होटल गूगल फेसबुक व्हाट्सएप ट्विटर सब उन्हीं सबका है यहाँ पे। वो अगर 1% देगा सब ना कि लीजिए हम अपना 1% आपको दिए तो हो जाएगा 10,000 करोड़, हम लोग चंदा काटेंगे 501 रुपया मूस मोटैया लोढ़ा होइयन, हाथी घोड़ा थोड़े होइयन तो परेशान है। आप बताइए समुद्र से पाइपलाइन लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए? आप बताओ मित्रों, लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए? जब ये पाइपलाइन आ जाएगा ना तो हम लोग क्या करेंगे जानते हैं? यहां अरावली पर्वत है, अरावली पर्वत, इस पहाड़वा के अंदर ना मेट्रो लाइन के लिए सुरंग खोद देंगे। क्या करेंगे? सुरंग पहाड़ के आर पार कई किलोमीटर, 100-150 किलोमीटर मोटका ऐसा ही सुरंग खोद देंगे, खूब बढ़िया से चारों से प्लास्टर करके टाइल्स विल्स मार देंगे लोग, और दोनों ओर से फाटक लगा देंगे लोग, कहेंगे लोग इसमें मेट्रो नहीं जाएगी, इसमें तेल रखा जाएगा, तेल, और तेलवा को जब रिफाइन करते हैं ना तब भी आग पकड़ता है, कच्चा तेल में आग वो नहीं पकड़ता है, तो हम लोग रिफाइन करके रखेंगे ये कच्चा,
कच्चा रखेंगे, रिफाइनरी तो है हम लोग यहाँ। जहिया तेल का दाम सस्ता होगा, अरे भर रहे गोदाम में, गोदाम में भर देगा आदमी, 2 साल का तेल एक के बार भर देगा आदमी। अभी रूस में कितना सस्ता हुआ था तेल, हम लोग पास गोदाम ही नहीं था, था गोदाम नहीं था। जैसे मान के चलिए अभी हल्ला हो जाएगी 25 रुपया किलो शुद्ध घी मिल रहा है, लोग आदमी बाल्टी में नहाना छोड़ देगा आदमी, ना नहीं तो रखा हो बाल्टी में, धाए धाए रख लेंगे कि नहीं रख लेंगे। तेल इतना सस्ता हुआ था, आप बिलीव कीजिएगा 32 रुपया लीटर हो गया था, 32 रुपया लीटर। हाँ, हम लोग के पास भंडारण करने की क्षमता नहीं थी। और हमारी बहनियां जो बिस्कन्याएं बैठी हैं, नमस्कार मित्रों, हम आपको बताते हैं अब, अरे नमस्कार, तुम्हारा रखो अपने पास, हम लोग का इतना सस्ता पेट्रोल चला गया, यहाँ पे रखने का जगह नहीं था, शर्म की बात है, यहाँ पे रख लेते हम लोग के बाद 2 साल का भर के, सस्ता हो गया उसी में, हम लोग उसी में से निकालते, फिर सस्ता आएगा, फिर निकाल के भर देंगे लोग यहाँ पे, है कि नहीं। हम लोग का पैसा बचाना सीखना चाहिए, जानते हैं, जो लीडर होना चाहिए ना लीडर, वो एकदम शरीफ रहेगा तो काम नहीं चलेगा, अपनी जनता के प्रति शरीफ रहे, दिमाग उसका चारों ओर रगड़ना चाहिए, यहाँ पे कैसे पैसा बचाएंगे, कैसे कमा सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन कैसे, ई ना कि एकदम सीधा साधा आदमी मोए मोए वाला, ऐसा नहीं काम चले। आप बताओ मित्र, भंडारण बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? हाँ, लेकिन पहले विश्व गुरु बनना जरूरी है। हम लोग के पास जमीन की कमी है जी, इतना पहाड़ खोद खाद के कहीं भर देंगे, पहाड़वा इसलिए भर देंगे ना कि पहाड़वा के नीचे गर्मी नहीं रहता है, अच्छा छत के नीचे रखिएगा तब गर्म हो जाएगा, पहाड़वा के नीचे खोद देंगे तो गर्म होगा, उसे एक और फायदा होगा, कोई बम गिराएगा तो कुछ नहीं होगा, पहाड़वा झाड़ देगा इसे बकलोल कहकर, नीचे कहाँ से जाता है, अरावली पहाड़ है दुनिया का सबसे पुराना, बम मारता है यहाँ पे, है कि नहीं यहाँ पे। तो हम लोग को पाइपलाइन की बहुत ज्यादा जरूरत है इस सब मामले में, हर जिला में ऐसा व्यवस्था करना चाहिए, हर जिला अपने पेट्रोलियम रिजर्व को रखने की क्षमता रख सके यहाँ पे, तब ना डेवलपमेंट होगा।